हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। तो सबसे पहले हम कंपास की हेल्प से एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, ये इसका सेंटर है, सेंटर ओ, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये जो है ये सेंटर ओ है। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये जो सेंटर ओ है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट लेना है और उस पे उससे सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ कर ले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे मेज़र करके एक पॉइंट ले लेते हैं। ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इसको P बोल देते हैं और O से हमने P को ज्वाइन भी कर लिया। अब ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P से सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए ये जो OP लाइन है, इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। तो कंपास को हम हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, यहाँ पे जो कंपास है हमारा, इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, OP की लेंथ के हाफ से ज़्यादा। इस तरह से थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे एक आर्क ऐसे लगा देंगे और दूसरी आर्क यहाँ से हम इस तरह से लगा देंगे और फिर इसको उठा के P पे हम रखेंगे, P पॉइंट पे हम रखेंगे और फिर इन आर्क्स को हम कट कर लेंगे। एक यहाँ पे कट हो जाएगी, एक यहाँ पे कट हो जाएगी, फिर इसको हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसको ज्वाइन कर लेंगे स्केल की हेल्प से। तो यहाँ पे ऐसे इन दो पॉइंट्स को, जहाँ पे आर्क्स ने आपस में एक दूसरे को कट किया है, इसको एक डॉटेड लाइन से हम ज्वाइन कर लेते हैं। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये ओपी को कट कर रहा है, उस पॉइंट को हम पॉइंट का नाम देते हैं पॉइंट एम। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये जो पॉइंट एम है, इस पे हम कंपास की निडल रखेंगे और पॉइंट ओ तक ओपन करेंगे। ठीक है, पॉइंट ओ तक हम ओपन करेंगे। तो चाहे पॉइंट ओ तक ओपन करो और वो चाहे पॉइंट पी तक ओपन करो। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये जो सर्कल है, जो ओ पॉइंट से भी पास करेगा और ये पी पॉइंट से भी पास करेगा। तो इस तरह से हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो जो O से भी पास करेगा और P से भी पास करेगा। अब ये जो सर्कल, गिवन सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है, तो इस तरफ हम ले लेंगे A पॉइंट और यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है उसको हम B पॉइंट मार्क कर देंगे। अब हम P से स्टूडेंट्स A को ज्वाइन कर लेंगे और P से B को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से स्केल रख के पहले P से A को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर पॉइंट पी से बी को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से, तो ये जो है, ये हमारे पास, ये हमने पी से ए को, ये हमारे पास पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया है। तो ये जो पी और पी बी, ये दोनों टेंजेंट्स बन गए हैं सर्कल के ऊपर। ठीक है बेटा, अब हमें इनकी लेंथ मेज़र करनी और वेरीफाई करना है कि क्या इनकी लेंथ इक्वल है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ मेज़र करते हैं। तो इसकी लेंथ जो आ रही है वो 8 सेंटीमीटर आ रही है और यहाँ पे भी मेज़र करते हैं, दूसरे टेंजेंट की लेंथ भी मेज़र करते हैं। दूसरे टेंजेंट की जो लेंथ है, दूसरे टेंजेंट की लेंथ भी 8 सेंटीमीटर हमारे पास आ रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट पीए जो टेंजेंट है उसकी लेंथ भी 8 सेंटीमीटर आ रही है और पी बी टेंजेंट की लेंथ भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको कंप्लीट कर लिया।